फिर माता रानी ने रुको पर कृपा करने में देर नहीं की, शीघ्र ही उसे पुत्र प्राप्त हुआ और इस प्रकार रुको के घर परिवार में प्रसन्नता का अंबार लग गया। अपने पौत्र का लालन पालन करने के लिए रुको की सासू माँ का स्वास्थ्य भी सुधर गया। वो सभी के आंखों का तारा बन गया था और समस्त परिवार के आनंद का कारण भी। किंतु जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख भी आता है। रुको के परिवार के सुख पर भी आंच आ गई थी। उसका पुत्र चेचक से पीड़ित हुआ और उसका जीवन संकट में आ गया। माता रानी, ये पुत्र तो आपने ही दिया है मुझे, इसकी सुरक्षा तो आपको ही करनी है। माता, कृपा करो, माँ कृपा करो। चिकित्सा के सभी उपाय व्यर्थ होने लगे। वैद्य आते और निराशा व्यक्त कर चले जाते। धीरे धीरे परिवार की चिंता बढ़ने लगी। रुको और उसके परिवार के धैर्य का बांध टूटने लगा। ये बालक ठीक नहीं हो सकता। कुछ करो, माता रानी की प्रार्थना करो, उनकी कृपा से तुम्हारी गोद भरी थी, उसी प्रकार फिर से गुहार करो। हमारे लड़का को कुछ नहीं होना चाहिए। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझसे क्या भूल हुई है, उसे कैसे सुधारूं मैं, माता रानी तक अपनी प्रार्थना कैसे पहुंचाऊं, उन्हें कैसे प्रसन्न करूं। कहाँ जा रहे हो? माँ, उनके पास, जिनकी गुहार माँ अवश्य सुनेंगी। रुको रुको, सेविका, तुम्हें तो पिछली बार भी समझाया था, महारानी के बिना बुलाए, उनके अनुमति के बिना उनके कक्ष में कोई नहीं जा सकता। मेरा जाना बहुत आवश्यक है, मेरा महारानी से भेंट करना अनिवार्य है, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। विचित्र बात है, मैंने जो कहा वो समझ में नहीं आया, तुम उनसे नहीं मिल सकती। ऐसा लगा जैसे रुको है बाहर, उसी का स्वर था। महारानी के विश्राम में इस प्रकार असमय विघ्न डालना और उनका किसी भी सेविका से असमय भेंट करना, दोनों ही राजभवन की मर्यादा के विरुद्ध है। मर्यादाओं का पालन करना ही हमारे राज्य का आधार है। मैं स्वयं किसी भी मूल्य पर उन्हें भंग नहीं करता, मेरी आपसे भी यही अपेक्षा है। मुझ पर दया कीजिए, एक बार महारानी से मिलने दीजिए। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। माता रानी, ये कैसी दुविधा है, मेरी बहन विपत्ति के समय मेरे द्वार पर आई है और मैं उसे भेंट भी नहीं कर सकती। अब आप ही कोई उपाय सुझाइए माता। गिर गया, आप सो जाइए। मेरी चिंता तो आपने दूर कर दी माता। द्वारपाल, इस सेविका को भेजो, पात्र गिरकर टूट गया है। रुको रुको सेविका, महारानी को किसी सेविका की आवश्यकता है, तुम्हें बुला रही हैं वो।
माता रानी, आपको अनेकों धन्यवाद। क्या हुआ है? मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? ऐसी सहायता चाहिए जो आप ही कर सकती हैं। वैद्य की औषधि तभी प्रभावी होंगी जब माता की कृपा होगी। अब वही मेरे पुत्र को बचा सकती है, किंतु पता नहीं मेरी ऐसी कौन सी भूल के कारण माता मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दे रही है। माता ना कृपा करना भूलती हैं, ना उसमें देर करती हैं, किंतु हम भक्त उनकी कृपा पाकर उनको दिया वचन भूल जाते हैं। वचन तो मैंने भी जगराते का लिया था। तो मैं आपके समान माता की चौकी बिठाकर उनका जगराता करूंगी और अभी से उनकी भक्ति में डूब जाऊंगी। फिर ये कैसी भूल कर दी मैंने, माता के जागरण का संकल्प लेके भूल गई मैं। दंड की भागी तो मैं हूं ही। हे माता, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। भूल शम में होती है बहन, यदि व्यक्ति में उसे स्वीकार करने का साहस हो। तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया है, माता रानी तुम्हें अवश्य माफ कर देगी। बस इस बार उनका जगराता करना मत भूलना। मैं जगराता करूंगी दीदी। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। धन्यवाद माँ, आपकी कृपा वर्षा के लिए अनेकों धन्यवाद। अब आपकी भक्ति में कोई भूल नहीं होने दूंगी मैं। कल भोर से ही आपके जगराते की व्यवस्था में लग जाऊंगी। कुछ भी हो जाए, मैं अब आपका जगराता करके ही रहूंगी। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता रानी की, जय माता की। माता ने दया की और सब कुशल हो गया। और इस बार रुको भी अपना वचन नहीं भूली। भोर होते ही वो जगराते के लिए पंडित जी ढूंढने निकल पड़ी, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी निर्धनता को देखकर कोई पंडित उसके घर जगराता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और फिर उसकी एक पंडित से भेंट हुई। पंडित जी, सभी मेरा न्योता नकार रहे हैं। तो क्या असमर्थ निर्धन को भक्ति का, माता के जागरण करने का कोई अधिकार नहीं? आप अगर मेरे घर नहीं आएंगे तो मेरे जैसे भक्त कहाँ जाएंगे? पंडित जी, तुम्हारे शब्दों में मुझे माता के प्रति भक्ति भाव दिखाई देते हैं। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे घर, मैं कराऊंगा पूजा तुम्हारे घर आके। किंतु पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए वो पता है ना तुम्हें? मैं बनवाता हूँ सूची तुम्हारे लिए। तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार बनाऊंगा सूची। पूजा के लिए क्या चाहिए मुझे सब ज्ञात है। महारानी तारामती ने स्वयं मुझे सिखाया है और उन्होंने ही मुझसे कहा है मुझे माता रानी के जगराते में विलम्ब नहीं करना चाहिए। क्या क्या कहा महारानी ने स्वयं कहा ये तुमसे? हाँ पंडित जी। परिहास कर रही हो मेरे साथ? मैं महारानी तारामती की बहुत विशेष सेविका हूँ। मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हुआ और तुम मुझे ही मूर्ख बना रही हो, वो भी मनगढ़ंत बातें सुनाकर। तुम मेरी सहायता की पात्र नहीं। नहीं पंडित जी, मैं सत्य कह रही हूँ, आप मेरा निमंत्रण मत ठुकराइए। माता रानी की भक्त होने के नाते उनके जगराते को मना मत कीजिए। कृपा कीजिए पंडित जी। जगराते के लिए मना तो नहीं कर सकता,
किंतु मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे घर तभी आऊंगा जब स्वयं महारानी तारामती तुम्हारे घर आके तुम्हारे जगराते में भाग लेंगी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? महारानी ने यह सुझाव स्वयं दिया था ना, फिर तो वो अवश्य आएंगी। यदि वो आती है तो मैं भी आऊंगा। उन्होंने तुम्हें वचन दिया था, मैं भी तुम्हें वचन देता हूं। सुन लिया ना, जाओ जाकर उनसे वचन ले लो। जाओ। रुको, तुम्हारा पुत्र तो अस्वस्थ है, तो फिर तुम कार्य पर क्यों आए? आप लोग जाइए, दूसरा कार्य कीजिए। उसकी देखभाल करने के लिए घर पर ही रुकना चाहिए था ना तुम्हें बहन। माता रानी की असीम कृपा है दीदी, चमत्कार हो गया। कल रात घर लौटने से पहले ही वो स्वस्थ हो गया। किंतु किंतु क्या बहन, अब किस बात की चिंता है तुम्हें बहन? माता रानी की कृपा से तुम्हारा पुत्र तो स्वस्थ हो गया ना? नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है दीदी। स्पष्ट कहो, क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ कहोगी तभी तो मैं कुछ कर सकूंगी बहन। मैं माता रानी का जगराता कैसे कराऊं दीदी? नगर का कोई पंडित हमारे घर जगराता नहीं कराना चाहता। दर दर भटकने पर इस निर्धन का न्योता स्वीकार करने वाले एक पंडित मिले हैं, किंतु उनकी भी एक शर्त है। वो मैं वचन देती हूँ। नहीं दीदी, वो पंडित जो चाहते हैं वो राज परिवार की मर्यादा के विरुद्ध है। क्यों, ऐसा क्या मांगा पंडित जी ने? वो मेरे घर आकर जगराता तभी करेंगे जब आप भी भाग लेना स्वीकार करेंगे। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं आपकी राजकीय मर्यादा भंग नहीं होने देना चाहती। आप मुझे दिया हुआ वचन लौटा सकती हैं। मर्यादाओं का पालन करना ही हमारे राज्य का आधार है। मैं स्वयं किसी भी मूल्य पर उन्हें भंग नहीं करता। मैं वचन देती हूँ, मैं सभी मर्यादाओं को समझूंगी भी और उनका आदर कर उनका पालन भी करूंगी। मैं वचन देती हूँ, उनकी जो भी शर्त है उसे पूर्ण करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं आपको किसी धर्म संकट में नहीं डालूंगी। मैं जगराते के लिए किसी अन्य पंडित को ढूंढ लूंगी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माता के जगराते में मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। किंतु दीदी, माता रानी का कोई भी सच्चा भक्त माता रानी के जगराते में जाने से मना कैसे कर सकता है? मैं वचन देती हूँ, मैं आऊंगी, तो अब वो तुम्हारे न्योते को भी नहीं नकार सकते। जाओ बहन, खड़ी मत रहो, जाओ। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। हे माँ, आशा करती हूँ
अब पंडित जी मना नहीं कर सकेंगे। मैं अपना वचन पूर्ण कर सकूं, ऐसी शक्ति देना माँ। हे माता रानी, मैं इस राज्य की मर्यादा अवश्य भंग करने वाली हूँ, किंतु एक भक्त की आस कदापि भंग नहीं होने पाए माँ। यदि तुमने जो सुना है वो राजा के कानों तक पहुँचना चाहिए तो तुम्हें अवश्य कहना चाहिए। क्षमा करें महाराज, सूचना यदि महारानी को लेकर हो तो भी। जो कहना है स्पष्ट कहो शयन, क्या सुना है तुमने? महाराज, महाराज मेरे नहीं, एक सेविका के शब्द है कि महारानी स्वयं उसका निमंत्रण स्वीकार कर उसके घर जाने वाली है। असंभव। क्या ये तुमने महारानी के मुख से भी सुना है? नहीं महाराज, हमने तो सेविका को पंडित से कहते हुए सुना था। महाराज अपने कानों से सुना था हमने, महारानी उसका निमंत्रण स्वीकार कर उसके घर जाने वाली हैं, माता रानी के जगराते पर। यदि स्वयं महारानी ने ऐसा नहीं कहा तो मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अब तुम जा सकते हो। प्रणाम महाराज। शंका का बीज तो मैंने बो दिया, मेरा कार्य तो हो गया। हे माँ, प्रथम बार कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जो स्वामी को ज्ञात नहीं है, किंतु किसी की भलाई के लिए किया गया कार्य अनुचित कैसे हो सकता है? माता रानी, अपनी कृपा बनाए रखना। महारानी तारा। बैठे बैठे सो गया था मैं, स्वप्न देखा था मैंने। द्वारपाल, किसी सेविका को भेजो, पात्र गिरकर टूट गया है। उस रात महारानी को सेविका से बात करते तो मैंने देखा था। मुझे ये भी लगा था उन दोनों में एक आत्मीयता है, एक अपनत्व का बंधन है। महाराज, आज मैंने माता रानी की पूजा रखी है। और फिर महारानी माता रानी के अनन्य भक्त है, तो उनकी पूजा में जाना तो स्वाभाविक है, किंतु मैं जागता रहूंगा। यदि महारानी जाने की निर्णय लेती है तो मैं उन्हें रोक दूंगा। अब मुझे नींद नहीं आएगी। महाराज, कुछ चाहिए आपको? मैं ला दूं क्या? नहीं, आप थक गए होंगे ना, आपके पैर दबा देती हूँ। नहीं महाराज, आप सो जाइए, विश्राम कीजिए। क्या मैं स्वामी को बता दूं मैं क्या करने वाली हूं? क्या मैं पूछ ही लूं महारानी से? हाँ।
ऐसा ना लगे कि मैं इन पर संदेह कर रहा हूँ। नहीं, स्वामी को बताकर उन्हें किसी प्रकार की दुविधा में डालने का कोई लाभ नहीं। वैसे भी मेरी किसी भी इच्छा को अपूर्ण कहाँ रहने दिया है उन्होंने। महाराज को निद्रा आएगी तो मैं चली जाऊंगी। महारानी सो जाएगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। प्रणाम पंडित जी, आपका स्वागत है। माता रानी की पूजा का ज्ञान है इसे। सभी सामग्री बड़ी कुशलता से एकत्र की है इसने, किंतु अभी ये देखना है महारानी इसकी कुटिया में आती है या नहीं। और सब तो ठीक है, किंतु वचन अनुसार महारानी कहाँ है? जिस दिन स्वामी आखेट करते हैं शैया पर लेटते ही सो जाते हैं, तो आज इन्हें निद्रा क्यों नहीं आई? मेरी दृष्टि तो आप पर मात्र इसलिए है कि आप कोई भूल ना कर सके। वचन दिया भी था महारानी ने। पंडित जी, आप पूजा प्रारंभ कीजिए, महारानी आएंगी तो जगराते का भाग बन जाएंगी। नहीं, मैंने तुम्हारे पत्नी से स्पष्ट कहा था, जगराते का आरंभ महारानी के आगमन के बाद ही होगा। आप कहाँ हैं बहन तारा, अभी तक आए क्यों नहीं हो? विलंब हो रहा है, हे माता रानी मेरी सहायता कीजिए। महारानी का यही है, शायद नाई से ही सुनने में भूल हुई होगी। पूर्ण रात्र तो प्रतीक्षा करना असंभव है, कुछ पल के लिए और प्रतीक्षा कर लेता। दीदी, मुझे ज्ञात है आप आने के लिए व्याकुल होंगी, तो फिर क्या कारण है इस विलंब का? मेरी सहायता कीजिए माता रानी, कृपा कीजिए, कोई उपाय सुझाइए। मेरे कारण रुको के जगराते में विलंब नहीं होनी चाहिए। क्षमा करना स्वामी, मैं इस प्रकार गुप्त रूप से जा रही हूँ, किंतु मैं विवश हूँ। राजभवन से जाते वक्त मुझ पर किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, प्रहरियोपन की भी नहीं। पंडित जी थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए, महारानी अपने वचनों से फिरने वालों में से नहीं है। माता रानी ने दिशा दिखा दी है, यह उचित होगा। We'll be right back.
एक पल और प्रतीक्षा नहीं करूंगा मैं। नहीं पंडित जी, ऐसा मत कीजिए, आप रुक जाइए। बहुत देर हो गई है मुझे, अब किसी भी कारण रुक नहीं सकती मैं। मत जाइए पंडित जी, महारानी आएंगी तो क्या कहूंगी मैं? यही कहोगी कि पंडित जी माता रानी के जगराते में आए हैं, तो उसे पूरा किए बिना कैसे जा सकते हैं? प्रणाम महारानी, आइए मैं पूजा आरंभ करता हूं, आइए। महारानी आपका स्वागत है, आपने हम सभी को कृतार्थ कर दिया। माता रानी की जय हो। प्रणाम माता रानी। आपकी राजभवन के पूजा के समान भव्य तो नहीं है? भव्यता नहीं, दिव्यता आवश्यक है, भक्ति भाव आवश्यक है, फिर पूजा कैसी भी हो वो सफल ही होती है। महारानी, माता रानी को चुनरी चढ़ाने की कृपा कीजिए और पूजा आरंभ कीजिए। एक बार सभी प्रेम से बोलिए, बोल साचे दरबार की जय। अब समय है भजन का, क्योंकि माता रानी का जगराता भजन के बिना पूर्ण नहीं होता। उचित कहा पंडित जी, एक बार सभी प्रेम से बोलिए, माता रानी की जय, बोल साचे दरबार की जय। ठंडी पवन की झोंके ने तो निद्रा ही भंग कर दी, ये वातायन खुला रह गया, बंद कर देता हूँ। ये डोर तो क्या महारानी? महारानी नहीं है यहाँ। अवश्य ये महारानी के पद चिन्ह। तारा का पायल है तो इसी दिशा में आई। ये भी महारानी की ही है। लगता है अपना कर्तव्य मैं पहले ही निभा चुका हूं। साचे दरबार की जय, बोल साचे दरबार की जय। विश्वास नहीं होता, मेरी तारा मुझसे छिपकर यहाँ आ गई, ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं बहन, किंतु अब मुझे जाना होगा। किंतु महाराज को पता चल गया तो? उसकी चिंता तुम मत करो बहन, मैं स्वयं उनको सब कुछ सच बता दूंगी। जय माता रानी की।
महारानी तारा, रात में कहाँ गई थी आप? और वो आपकी पल्लू में क्या बंधा है? माता रानी का प्रसाद। आपके लिए। कशार, जो सेविका के घर से लाई है आप, वचन दिया था आपने मेरे पूर्वजों द्वारा स्थापित मेरे परिवार और राज्य की मर्यादा को भंग नहीं करेंगे आप। जो मैंने किया उसका कोई कारण है महाराज, आप सुनेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे। महाराज, मैंने अपना वचन निभाया। आपने मंदिर का निर्माण करने को बोला था, वो मैंने किया, किंतु आप? मेरी बात तो सुनिए स्वामी। क्या सुनूं मैं? क्या समझाएंगी आप मुझे? मुझसे छिपकर, राजभवन से दूर होकर किस मर्यादा का पालन किया है आपने? पालन किया है स्वामी, धर्म की मर्यादा का पालन किया है, भक्ति की मर्यादा का पालन किया है। मैं एक सेविका के घर नहीं, माता रानी के भक्त के घर गई थी, और उनकी दृष्टि में सब एक ही समान है। माता रानी किसी से भेदभाव नहीं करती। माता रानी के जगराते का भाग बनना तो सौभाग्य है, पावन है, प्रत्येक मर्यादा से कहीं बड़ा है। मुझे बताया बिना छिपते छिपाते जाना भी? मैंने आपको वचन दिया था स्वामी, आपको आपकी मर्यादा के विरुद्ध कभी जाने के लिए नहीं कहूंगी। इसलिए मैंने आपसे अनुमति नहीं मांगी ताकि आपको दुविधा ना हो, और यदि मैं आपसे कुछ कहती तो आप मना ही करते ना, वो अपमान होता माता रानी का, जो किसी भी मर्यादा के भंग होने से कई अधिक बुरा होता। आप सदा उनका नाम स्मरण करती है, इनकी पूजा करती है, लेकिन आज इन्हीं के नाम पे आपने अपनी मर्यादाओं की चिंता भी नहीं की। तो बताइए क्या परिचय है इन? कौन है माता आदि शक्ति? उनमें क्यों विश्वास करूं मैं? उनके अस्तित्व का, उनकी महिमा का आभास करवा सकती है आप? यदि हाँ तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है बाहर जाके मैं सबको बताऊंगा, सबसे कहूंगा मैं। क्या बताओगे आप सबको? मैं सभी को यह बताऊंगा कि आज का जगराता अद्भुत जगराता था, साक्षात माता रानी का आशीर्वाद है आप पर। तो आज जो मुझे आपने पूजा करने का अवसर दिया उसके लिए अनेकों धन्यवाद। आज पूजा करके यहां जो संतुष्टि मिली है वो इससे पहले कहीं नहीं मिली थी। आज के बाद कोई भी पंडित किसी भी निर्धन व्यक्ति के घर पूजा करने के लिए मना या संकोच नहीं करेगा। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम पंडित जी। हे माँ, मेरी बहन तारा पर भी अपनी कृपा कीजिए। उनकी भक्ति के फल स्वरूप महाराज हरिश्चंद्र को आपकी महिमा समझने की शक्ति दीजिए। यदि आप यही चाहते हैं तो
तो मुझे पूर्ण विश्वास है माता रानी मेरी भक्ति को निराश नहीं होने देंगी, स्वयं आपको अपने होने का आभास करवाएंगी। बोल साचे दरबार की जय। अद्भुत दिव्य है आपका आगमन। हे माता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता आदिशक्ति ही समस्त संसार को जन्म देने वाली है, जगत जननी है। धर्म की स्थापना के लिए वही सृष्टि का पालन करती है और उन्हीं की इच्छा से धर्म की रक्षा के लिए प्रलय भी होता है। वही माता लक्ष्मी है, वही माता पार्वती है और वही माता सरस्वती भी है। इन दीपों में जो ज्वाला है, जो ज्योति है, वो भी माँ ही है। मंद मुस्कुराहट वाली माता गौरी भी वही है, तो शेरों वाली माता दुर्गा भी वही है। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता रानी की जय। जय माता रानी की जय। स्वामी, माता रानी के प्रत्येक स्वरूप में एक समानता है। सभी भक्तों के लिए उनकी ममता और उनके प्रसाद में सदैव भक्तों के लिए आशीर्वाद है, फिर चाहे वो राजा के भवन से आया हो या फिर रंग की कुटिया से। आप पर संदेह कर भूल हुई मुझसे। आपने मुझे माता रानी की शक्ति, उनकी महिमा का आभास करवाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। किंतु अब मैं तन मन धन से माता के साक्षात दर्शन करने का इच्छुक हूं। माता रानी का दर्शन का ऐसे लालसा उठ रही है मेरी हृदय में, उसे शांत करने के लिए क्या उपाय? भक्ति, तप, पूजा, त्याग, इन्हीं से माता के दर्शन संभव है। कैसा त्याग? मैं तो सदा त्याग करने को तत्पर रहता हूं। हे माता, मुझे दर्शन दीजिए। आपके दर्शन पाने के लिए मैं वो भी त्याग करूंगा जो मुझे सर्वाधिक प्यारा है, जो मेरे प्राणों से भी प्यारा है। हे माता, ये मेरा प्रण है, मैं वो भी त्याग करूंगा जो मुझे सर्वाधिक प्यारा है। ये कैसा वचन दे दिया आपने स्वामी? और अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र के साथ समय बिताने से अधिक आनंद मुझे कहाँ है? इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने अति उत्साह में अपने पुत्र का त्याग करने का ही वचन दे दिया। फिर क्या हुआ गणेश जी? क्या महाराज हरिश्चंद्र ने माता के दर्शन के लिए अपने प्राण निभाए? प्राण निभाया भी और माता से उनके आशीर्वाद के साथ एक बड़ी सीख भी पाई। मैंने अपना प्रण पूर्ण किया है। एक पिता के लिए जो असंभव है वो संभव कर दिया।
अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र का त्याग कर दिया मैंने। वाह, आपके सामने जो प्रण लिया था मैंने, उसके लिए इस माँ को अपनी ममता से, अपने पुत्र से वंचित किया है मैंने। मेरा ये त्याग आपको समर्पित है। मेरा ये त्याग व्यर्थ ना होने देना। मेरे ये नैन आपके दर्शन के लिए व्याकुल है मां। कृपा कीजिए मां, दया कीजिए। बस अभी एक ही अंतिम इच्छा है मेरे, आपका दर्शन मिल जाए और मैं सदा के लिए अपने पुत्र के पास चला जाऊं। दया कीजिए मां, कृपा कीजिए मां। शमुनी दुर्गा पत्य निवारिणी, दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक तवानरा। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमा ज्योतदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता। दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ज्ञान भासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी। दुर्गमा सुर सहंत्री दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी। जाओ अपने पिता के पास जाओ। दुर्गधारिणी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग भा दुर्ग तारिणी। दुर्गाया मामा मानवः पुत्र। माँ माता, पुत्र आओ पुत्र। आपने मेरा पुत्र लौटा दिया, आपके कृपा पाके मैं धन्य हो गया माँ। अद्भुत है आपकी लीला माता, अद्भुत है आपकी लीला। मेरा आंचल सूना होने से बचाने के लिए, मेरा पुत्र मुझे लौटाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। माँ आपकी लीला अपरंपार है, देवता भी आपकी महिमा गान करने में असमर्थ होते हैं, तो मैं भला क्या कहूँगा। बस इतना ही कहूँगा कि आप हम सब की माँ हैं, आप जगत जननी हैं। Thank you.
शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। वत्स हरिश्चंद, ऐसा दिया जिससे किसी के जीवन में कोई संकट आए उसकी ना तो कोई आवश्यकता है और न ही वो धर्म के अनुसार है, क्योंकि भगवान पीड़ा से नहीं भक्ति और प्रेम के भाव से प्रसन्न होते हैं और उन्हें पाने का एकमात्र यही उपाय होना चाहिए। वचन का महत्व प्राणों से भी अधिक होता है, ये आज तुमने प्रमाणित कर दिया है वत्स हरिश्चंद्र। इसलिए आज से तुम्हें संसार सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानेगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानेगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानेगा।